हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर फिर से स्वागत है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसी चैनल पर डेली जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट न्यूज या इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो डालता रहता हूँ, जिसे सुनकर आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी फेक एजेंट की बकवास तो सुनने वाले नहीं हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मेडिकल एग्ज़ाम दे के आते हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अपडेट हो गया या अपडेट नहीं हुआ। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो दोस्तों आप कैसे देख सकते हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मेडिकल एग्ज़ाम दे के आए थे वो आपका एम्बेसी तक पहुँच गया या नहीं। तो दोस्तों और ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जब आप गूगल पे जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको सर्च करना है ई मेडिकल क्लाइंट। जब दोस्तों आप ई मेडिकल क्लाइंट सर्च करेंगे आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा, फिर आपको ई मेडिकल क्लाइंट इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वाला जो ये ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, इसे मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा सकता हूं। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का पेज है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर भी आ सकते हैं। दोस्तों इसे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, दोस्तों ये ऐसा पेज ओपन होगा जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों जब आप ऊपर जाओगे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ई मेडिकल क्लाइंट ब्लैक कलर में लिखा। दोस्तों मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जूमिंग में दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं ई मेडिकल क्लाइंट ब्लू कलर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब दोस्तों आप इस पर ई मेडिकल क्लाइंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा दोस्तों, ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसे रोटेट ऑन कर लेता हूँ। ये दोस्तों ऐसा पेज आपके ई मेडिकल क्लाइंट लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा जब आप जो ब्लू कलर का ई मेडिकल क्लाइंट है उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फैमिली नेम यानी आपका नेम फिल करना दोस्तों, और यहाँ पर आपकी हेप आई डी और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी। दोस्तों हेप आई डी वही होती है दोस्तों जो आप मेडिकल एग्ज़ाम अपना बुक करते दोस्तों उसके लिए जो चाहिए, इसके बिना तो आप मेडिकल भी बुक नहीं कर सकते दोस्तों, वही हेप आई डी आपको यहाँ पर फिल करनी है और ओके कर देना। दोस्तों मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी थी दोस्तों, इसलिए ये पेज नहीं ओपन हुआ। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन भरोगे तो दोस्तों आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा, आप जो ये रेड मार्क देख रहे दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है सेव एंड प्रिंट रेफरल लेटर पर। तो दोस्तों जब आप इस पर ओपन करेंगे अगर आपके सामने एक ऐसा पेज आता तो दोस्तों आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप इस तरह का पेज पाते तो दोस्तों आपका जो मेडिकल है वो अपडेट हो गया है यानी एम्बेसी तक पहुंच गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप सब कुछ समझ गए होंगे। यदि आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।